सुल्तानपुर में 22 दिन पहले लखनऊ वाराणसी हाईवे पर अज्ञात व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य बदमाशों की तलाश अभी जारी है। मृतक ट्रक चालक था, बदमाशों ने उसकी हत्या कर ट्रक को लूट लिया था। मृतक अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बीती 12 जून को जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ वाराणसी हाईवे किनारे अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंका गया था। पुलिस ने अज्ञात में ही अंतिम संस्कार करा दिया था। बाद में उसकी पहचान अम्बेडकर नगर के जैतपुर निवासी रमेश कुमार के रूप में हुई थी और बताया गया कि वो ट्रक चलाता था। मामले में छानबीन शुरू हुई तो देवरिया के रहने वाले रामाज्ञा उर्फ संजय कनौजिया, गाजियाबाद के राजेश यादव, बिहार के रहने वाले सुमित कुमार बिंदेसरी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई ट्रक, हत्या में प्रयुक्त गमछा और मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार रमेश के साथ उस दिन दूसरी ट्रक से रामाज्ञा सहित अन्य साथी अमेठी जनपद में आए थे। वहीं मौका पाकर रामाज्ञा ने अपने साथियों के साथ मिलकर गमछे से उसका गला दबाया और रमेश को मौत के घाट उतार दिया। सौ कुड़वार थाना क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी हाईवे किनारे फेंक कर ट्रक को ये लोग बिहार लेकर चले गए। वहां उन्होंने ट्रक का रंग भी बदलवा दिया। सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस लगातार इस मामले में हत्यारों की तलाश में जुटी रही। पुलिस को सूचना लगी कि कुछ लोग एक ट्रक बेचने आए हुए हैं। पुलिस ने मौके से रामाज्ञा, राजेश यादव, सुमित और बिंदेश्री को हिरासत में लिया और पूछताछ की, तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इस मामले में बिहार के रहने वाले भोला और दिनेश सिंह के साथ साथ मुजफ्फरपुर के देवनाथ शाह की भी अभी तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। एक हत्या की खुलासा है। दिनांक 12 जून को थाना कुरवार क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी हमें मिलता है। इसका पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद पता चलता है कि उसको स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोट के मार दिया गया था, क्योंकि वह अज्ञात था। लगातार प्रयास चल रही थी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी क्रम में पुलिस ऑफिस, थाना बंधुआ कला, कुरवार, ये सब लगे हुए थे। हमारे DCRV पर लगी हुई थी। DCRV के महेंद्र प्रताप सिंह इंस्पेक्टर इंचार्ज है, ये उनकी वो है कि वो सबसे पहले इस डेड बॉडी को उसके परिवार के माध्यम से शनाख्त कर पाए, इनफैक्ट परिवार को टच में आए। उसके बाद इस व्यक्ति का नाम रमेश कुमार था जिनकी हत्या हो गई थी। पुलिस अपनी मुकदमा लिख के विवेचना कर रही थी। धीरे धीरे ये इसमें फिर सर्वेलेंस टीम को भी लगाया गया और धीरे धीरे इस पूरे मामले को खोला गया। इसमें इसके 3 साथी थे। बेसिकली बहुत पहले गाज़ियाबाद से, पानीपत से गाज़ियाबाद होते हुए हमारे यहाँ पे अमेठी जनपद में आ रहा था सामान लेके। उसी के साथ इसके 3 साथी भी आ रहे थे दूसरे ट्रक में, जो पहले से इसके सब परिचित थे। उसमें से 3 लोगों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। एक मौके से हट गया। बाकी 2 अपराधी, जिसमें रामाज्ञा मुख्यतः है, इसने इसकी हत्या कर दी थाना, ये जिला मिट्टी के अंतर्गत। उसके बाद डेड बॉडी ही जनपद सुल्तानपुर में फेंक के उसकी जो ट्रक थी संदीप की, उसको सॉरी जो मृतक जो थे उसका नाम है रमेश, उसका जो ट्रक था उसको चुरा के या छीन के लेके चले गए और फिर जाके बिहार में इसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस ट्रक का जो कलर वगैरह भी सब बदल दिया गया है। शुरुआत में लाल रंग का था, बाद में ये पता चला जब हमसे बरामद हुई पुलिस ने बरामद किया तो पता चला ये सफ़ेद रंग का हो चुका है। मतलब इसकी सारा कुछ बदल देने की पूरी कोशिश हुई थी। तो इसी तरीके से एक हत्या और उसके साथ लूट, एक जघन्य अपराध का खुलासा। हमारी जो टीम है, पर्टिकुलरली स्वाट टीम प्रभारी उपेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी टीम प्लास थाना कुरवार के इंचार्ज एस एच ओ गौरी शंकर पाल और उनकी टीम मिलकर बड़ी अच्छी तरीके से इसमें कार्रवाई की और इस अज्ञात अपराध को खोला। और इसमें 4 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इसमें से मुख्य अपराधी था संदीप उर्फ रामाज्ञा, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो गमछा इन्होंने किया था स्ट्रैंगुलेशन के लिए, उसको बरामद किया गया है। अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और बाकी आवश्यक विधि प्रक्रिया की जा रही है। धन्यवाद। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।